हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल किचन क्वीन में। और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी ढाबे स्टाइल में आलू प्याज की सब्ज़ी। तो ये छक्कल वाले आलू होते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और ढाबे पे खासकर आलू प्याज इसी तरीके से वो लोग बनाते हैं। तो देखिए, ढाबे स्टाइल में आलू प्याज बनाने के लिए हमने ये आधा किलो आलू लिए हैं, इन्हें धुलकर हमने साफ़ कर लिया। तीन हमने प्याज लिए हैं, 5 से 6 हमने हरी मिर्च लिए हैं। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो आलू को इस तरीके से हमने 5 से 6 बार धुलकर तैयार कर लिया है। तो ये ऊपर जो काला होगा, छिकल का जो काला पार्ट होगा, हम हटा देंगे। तो इस तरीके से कट कर लेंगे और इसे चौकोर चौकोर छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। तो चलिए, सभी आलू को इसी तरीके से काट कर तैयार कर लेते हैं। और ये आलू ढाबा स्टाइल के आलू होते हैं, सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो इसे आप रोटी, पराठे, पूड़ी किसी के भी साथ खा सकते हैं। और इसमें आलू में आप नींबू डालकर खाएं, बहुत टेस्टी लगते हैं, एकदम ढाबे वाली फीलिंग आती है। तो चलिए, सभी आलू को इस तरीके से काट कर तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे। देखिए, आलू हमने छोटे छोटे पीसेज में काट कर तैयार कर लिए हैं, हरी मिर्च को भी कट कर लेते हैं। तो देखिए, प्याज को भी कट कर लेते हैं। तो हम ढाबे वाले स्टाइल के आलू बना रहे हैं, तो ढाबे की तरह ही कट करने चाहिए जैसे वो लोग करते हैं। तो बहुत ही टेस्टी आलू और प्याज बनता है। तो आप लोग भी इस तरीके से एक बार बिना छिले आलू ढाबा स्टाइल के बनाकर देखें। तो देखिए, इस तरीके से प्याज को कट कर लेते हैं, एकदम ढाबा स्टाइल के आलू प्याज बनकर तैयार होंगे और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो देखिए, हरी मिर्च को भी कट कर लिया है, प्याज को भी हम कट कर लेते हैं। प्याज को हम लंबे लंबे पतले पतले स्लाइसिस में कट करेंगे। तो चलिए, सभी प्याज को भी कट कर लेते हैं, उसके बाद बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए, हरी मिर्च, आलू और प्याज हमने तीनों चीज़ों को कट कर लिया है। तो देखिए, इन्हें हम एल्युमिनियम की कढ़ाई में बनाएंगे। गैस पर हमने कढ़ाई को रख दिया है, गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं। कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे, ये मस्टर्ड ऑयल है, तो इसको गर्म हो जाने देते हैं। उसके बाद हम इसमें प्याज फ्राई करेंगे। तो देखिए, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें प्याज डाल देते हैं। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से चलाते रहना है। प्याज हमारा फ्राई हो गया है, तो इसमें हरी मिर्च को भी डाल देते हैं। हरी मिर्च को भी 2 मिनट फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए, हरी मिर्च और प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। इसमें मसाले भी ऐड कर देते हैं, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। तो देखिए, इसमें थोड़ी हल्दी ज़्यादा ही डालें, तभी ये बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। तो हल्दी को भी मिक्स कर देते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को भी मिक्स कर देते हैं। तो देखिए, प्याज हरी मिर्च हमारी फ्राई हो गई है, तो इसमें आलू भी ऐड कर देते हैं। आलू को भी 5 मिनट अच्छे से फ्राई इसी में कर लेंगे। तो देखिए, आलू और मसालों को मिक्स कर देते हैं, इस तरीके से चलाते हुए आलू को भी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, ये आलू प्याज की सब्ज़ी आप बच्चों के लंच बॉक्स में बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगी और बहुत ही सरल होती है, तो आप इसे कभी भी बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी सब्ज़ी पसंद नहीं आ रही, तो आप आलू प्याज बना कर रख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए, आलू प्याज हमारा भुनकर तैयार हो गया है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से भुन गया है। तो देखिए, आलू प्याज से ऑयल बाहर आ रहा है, तो इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देते हैं। तो देखिए, आलू प्याज को ढक देते हैं और 1 से 2 बार इसे हम चेक कर लेंगे। इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना है, तो गैस का फ्लेम सिम कर देते हैं। सिम गैस पे आलू को प्याज को बनने देते हैं। तो देखिए, 5 मिनट हो गए हैं, आलू प्याज को चेक कर लेते हैं। आलू प्याज में बहुत ही अच्छा उबाल आ रहा है। तो अभी हमारे आलू अच्छे से पके नहीं हैं, तो इसे चलाकर कुछ देर के लिए और ढक देते हैं। कुछ देर बाद इसे फिर से चलाएंगे। तो ये आलू प्याज बहुत ही टेस्टी बनता है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। तो इसे फिर से ढक देते हैं, कुछ देर बाद इसे फिर से चलाकर देखेंगे। तो देखिए, आलू प्याज को बनते हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं, तो इसे एक बार चलाकर देखते हैं। आलू को कट करके देखेंगे, आलू हमारे अच्छे से पककर तैयार हो गए हैं नहीं। तो देखिए, आलू हमारे एकदम परफेक्ट तरीके से पककर तैयार हो गए हैं और इसे हल्का रसेदार ही बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है, एकदम ढाबा स्टाइल में ही बनाएंगे। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं, हमारे ढाबा स्टाइल के आलू प्याज बनकर रेडी हो गए हैं। तो आप इसे इस तरीके से ज़रूर बनाएं और ढाबा स्टाइल में आप बनाकर देखें। इसमें नींबू डालकर खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप रोटी, नान, पूड़ी, पराठे किसी के भी साथ खाएं। तो इसे शर्व करने के लिए एक बाउल में परोस लेते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारी ये ढाबा स्टाइल के आलू प्याज की रेसिपी पसंद आई, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप लोगों को हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, आलू प्याज देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।